प्रकाश के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसका नाम है ट्राई सिटी का खबरनामा। इसमें हम आपको चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, जैरकपुर और इसके अलावा और भी इलाकों की, आसपास के इलाकों की कुछ खबरें बताते हैं और इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा के बारे में भी कुछ जानकारियां देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है तो वो बात भी हम आपसे करते हैं। तो अगर बात चंडीगढ़ की करें तो चंडीगढ़ में इस समय जो गहमा गहमी है वो इलेक्शंस को लेकर है। सभी पार्टियां जो है वो कमर कस रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज मेरा चुनाव मेरा सुझाव कार्यक्रम जो है वो आज लॉन्च किया गया। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के निगम में किस तरह के काम चाहते हैं और उसी के आधार पर पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जिसको संकल्प पत्र कहा गया है, वो उसको तैयार किया जाएगा। इसके विषय में आपको हम कुछ और भी जानकारी दे दें। आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग गए हैं और वहां पर लोगों से उन्होंने बातचीत की है, उनमें अरुण सूद आज सेक्टर 22 में किरण सिनेमा के पास लोगों से मिले। वहीं इंदु बाला गोस्वामी जो कि एमपी हैं और वो आज एससी मोर्चा बीजेपी के साथ उनके साथ थी। रविकांत शर्मा मेयर एलांटे मॉल पर गए और संजय टंडन ने सेक्टर 17 प्लाजा में लोगों के साथ मुलाकात की। वहीं सत्यपाल जैन ने मनी माजरा में लोगों के साथ मुलाकात की और उनके साथ सीधे संवाद किया। तेजेंद्र सिंह और सत्येंद्र सिद्धू हुड्डा लाहौरा की मार्केट में मौजूद रहे। इस तरह से रोजाना भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों से मिलते रहेंगे और उनसे अपने संकल्प पत्र को किस तरह से बनाया जाए उसके सुझाव लेते रहेंगे। आम आदमी पार्टी भी इस समय पूरी तरह से चुनावों में कूद चुकी है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे। उन्होंने आज चंडीगढ़ में सीआईआई में विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ मुलाकात की, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और इसके साथ साथ एक दो स्थानों पर उन्होंने रैली भी की। और हालांकि अभी तक किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन उसके लिए इस समय तैयारियां पूरी हैं। हर कोई अपने तरीके से अपने कैंडिडेट्स के बारे में आकलन कर रहा है। ज्यादातर पार्टियां अपने बूते पर सर्वे करवा रही हैं और सर्वे के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किसको किस वार्ड से टिकट मिलनी है। तो चंडीगढ़ की आज ये महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर में बनना है, उसका आज शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर इस समय लगभग जो है उसकी क्षमता से ज्यादा वहां पर हवाई यात्राएं होती हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा कंजेशन है, ट्रैफिक है। दिल्ली को और खासतौर पर इस इलाके को एक अत्याधुनिक नए एयरपोर्ट की जरूरत थी और काफी समय से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था। अब फाइनली इसका काम शुरू होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और करीब 1.5 करोड़ लोग हर वर्ष इस एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यात्राएं कर सकेंगे। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, तो काफी महत्वपूर्ण खबर। और उसके बाद हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। आप जानते हैं कि सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इन तीनों जो कृषि कानून थे उनको वापस लेने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है और अब इसको संसद में 29 नवंबर से जो संसद का सत्र शुरू होगा तो संसद में इसे बाकायदा इसको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद किसान संगठन अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं और कल 26 नवंबर को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है किसान आंदोलन को शुरू हुए हुए। इसको लेकर बड़ी तैयारी किसान नेताओं ने की है, किसान संगठनों ने की है और दिल्ली के साथ लगते जो सिंघू बॉर्डर है या टिकरी बॉर्डर है उन पर वहां पर कल रैलीज का आयोजन होना है। बड़ी संख्या में किसान न सिर्फ हरियाणा से, पंजाब से, पूरे इलाके से सिंघू बॉर्डर के लिए, टिकरी बॉर्डर के लिए पहुंच रहे हैं। आज बड़ी संख्या में किसान अमृतसर से एक जत्था सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। ये जत्था शाहबाद में रुकेगा, उसके बाद कल ये 26 को सिंघू बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। अभी भी
कुछ मांगे ऐसी हैं जिनको लेकर किसान संगठन अड़े हुए हैं, खासतौर पर एमएसपी को लीगल दर्जा दिए जाने की जो मांग है उसके ऊपर किसान संगठन पूरी तरह से अड़े हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक ये जो आंदोलन है वो चलता है या समाप्त होता है, और आगे सरकार की अब आगे रणनीति क्या रहने वाली है। तो ये थी हमारी आज, और इसके साथ साथ एक जाते जाते आपको एक खबर यमुनानगर से दे दें। यमुनानगर में एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिनमें 3 बच्चे हैं। सिटी सेंटर के नजदीक ये कबाड़ का गोदाम था, उसमें ये आग लगी। किन कारणों से लगी ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन काफी भयंकर आग थी और जो लोग अंदर ट्रैप थे वो बाहर नहीं निकल पाए। कुछ लोगों को निकाल लिया गया लेकिन 4 लोगों को नहीं बचाया जा सका, और उनमें से 3 बच्चे भी थे। तो इस तरह से एक दुखद घटना आज यमुनानगर में हुई है, और देखना यह है कि अब इसमें आगे जांच में क्या निकल कर आता है। और इस तरह की घटनाएं वैसे बहुत ही आम होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही और कहीं ना कहीं किसी ना किसी की भूल की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, और ऐसी घटनाओं को निश्चित तौर पर टाला जा सकता है। और ये भी बता दें कि आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक भी थी, और बैठक में आज जो महत्वपूर्ण बात अब तक जो सामने आई है वो जो शीतकालीन सत्र है हरियाणा विधानसभा का, उसकी डेट्स जो है वो तय कर दी गई है। 17 दिसंबर से ये सेशन जो है इस बार स्टार्ट होगा। तो ये थी हमारी कुछ खास खबरें ट्राई सिटी का खबरनामा में। तो आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और रोजाना हम आपसे कुछ ना कुछ खबरें लेकर मिला करेंगे। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।